हाय फोक्स, दिस इज जेनिफर हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पीछे देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि आज का टॉपिक किस सिलसिले में होने वाला। यस, इट्स अबाउट जैकेट्स, जैकेट्स एंड जैकेट्स। यस, जैकेट्स तो हम लोग काफी चीजों के साथ पेयर अप करते हैं, जैसे कि साड़ी के ऊपर, लहंगे के ऊपर, जीन्स के ऊपर, बहुत चीजों में हम यूज करते रहते हैं जैकेट्स को, बचपन से लेकर जब तक हम मरते नहीं है तब तक। बट एनीवेज, आज हम बात करेंगे सिर्फ डेनिम जैकेट्स के बारे में, और हमने जो पूरी दुनिया से पिकअप किया हुआ है और उसमें से हम कुछ जैकेट्स आपको दिखाएंगे जो कि हमने पेयर किया हुआ है शर्ट्स और टॉप के साथ। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट ऑन। यस, दिस इज द फर्स्ट जैकेट जो कि बहुत ही रॉयल लगता है, क्योंकि हमने इसको रेड शर्ट के साथ पेयर अप किया हुआ है। या ब्लैक जैकेट है जो कि सबके पास ऑलमोस्ट होता है, एंड इसके बारे में हमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं बिकॉज इट्स लाइक हॉट। ओके, तो हम सेकंड जैकेट जो यूज कर रहे हैं वो है दिस जैकेट। ओके, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट जैकेट जिसको मैं ट्रैवलिंग में काफी यूज करती हूँ, क्योंकि ये इसका जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ही इसको ट्रैवलिंग में यूज करना है, क्योंकि इसके साथ है बहुत सारे पॉकेट्स। तो हमें जब हम अब्रॉड जाते हैं या कहीं जाते हैं तो हमें एयरपोर्ट्स पे ज्यादा पर्सेस कैरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसमें आपके पासपोर्ट रख सकते हो, करेंसीज रख सकते हो और लॉट ऑफ पेपर चीजें रख सकते हो जो आपको यूज करना पड़ता है। इसको हमने पेयर अप किया हुआ है ऑरेंज शर्ट के साथ, जो कि इसको अलग डिफरेंट अच्छा लुक देता है, एक फैशनेबल लुक देता है। ओके, द थर्ड जैकेट इज वन ऑफ माय फेवरेट जैकेट। यस, दिस इज रॉयल ब्लू कॉर्ड्रा जैकेट। ओके, हमने इसको पेयर किया हुआ है ब्लू शर्ट के साथ, जो कि है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा। आपको लग रहा होगा ये किस तरीके का शर्ट है टेढ़ा मेढ़ा, बट ये इसका फैशन है जो कि मैंने कनाडा से पिकअप किया था। और आप इसको देख सकते हैं, इट्स अ ब्लू लाइनिंग के साथ है ये, और हम इसीलिए इसको पेयर अप कर सकते हैं ब्लू कॉर्ड्रा जैकेट के साथ। ओके, सो द नेक्स्ट जैकेट इज हमारा ऑल टाइम फेवरेट जैकेट, दैट इज अ कॉलेज जैकेट। यस, ये वही जैकेट है दोस्तों जो हम कॉलेज में पहनते थे, जो हम ऑलवेज अगेन एंड अगेन एंड अगेन पहनते थे। इट्स अ चेक्स रेड एंड ब्लैक चेक्स शर्ट के साथ हमने इसको जिपॉन जैकेट को यूज किया हुआ है, क्योंकि हमारा ये हमेशा सा फेवरेट रहा है, चाहे इंडिया हो चाहे अब्रॉड हो। हमने इसको हमेशा, हम बार बार लगातार इस ऐसे कॉम्बिनेशन को यूज करते रहते हैं डिफरेंट जैकेट्स के साथ। ओके, एंड द नेक्स्ट जैकेट इज, यस, दिस इज अ हुडी जैकेट। ये तो हम इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। ओके, और हम इसको हुडी के साथ भी यूज कर सकते हैं। आप देखिए, जिसको हुडी पहनना होगा वो हुडी पहनेगा, नहीं पहनना होगा नहीं पहनेगा। और हम द टॉप हमने जो यूज किया है वो बहुत ही नॉर्मल टॉप है, आप देख सकते हो। तो इट्स लुकिंग स्टिल कैजुअल एंड नॉर्मल, यू कैन यूज इट। आपको ज्यादा ठंडी में इसको यूज करने की जरूरत नहीं, इट्स जस्ट यू कैन यूज नॉर्मली। आप कहीं पर भी जा रहे हो तो यू जस्ट पिक इट अप द जैकेट। ओके, एंड नाउ वन ऑफ माई फेवरेट जैकेट, दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ जैकेट, आप देख रहे होगे। यस यस यस, तो इसमें टेलर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये जैकेट जो है ये ऐसा ही है टेढ़ा मेढ़ा सा। तो इसके पॉकेट्स आप देख सकते हो, यस, इसको अलग ढंग से स्टिच किया हुआ है, और एक साइड इसका कोई पॉकेट नहीं है, दूसरी साइड इसका डिफरेंट तरीके से स्टिच किया हुआ पॉकेट्स है। आप इसको लाइनिंग शर्ट के साथ ऐसे भी पहन सकते हो, या ओपन करके पहन सकते हो, या आप इसको अंदर की तरफ नॉर्मल पहन सकते। तो ये वाला जैकेट मैंने पिकअप किया था यूके से, जो कि बहुत ही स्टाइलिश है। इसका कट देख सकते हो आप, इसका यू नो बटनिंग देख सकते हो, इसका अलग ही टाइप से बटन किया हुआ है, एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट जैकेट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। यस, ये सो दिस जैकेट इज लाइट ब्लू डेनिम जैकेट। अब इसकी खासियत ये है कि इसमें हैंडवर्क किया हुआ है, आप देख सकते हो, दिस इज हैंडवर्क जैकेट। आपको दोनों तरफ पे हैंडवर्क किया हुआ है, यहाँ पर भी। तो इसको हमने पेयर किया हुआ है डार्क रॉयल ब्लू शर्ट के साथ। ओके, क्योंकि आप हमेशा ऑपोजिट चीजों में पहनो तो ही उसका लुक उभर के आएगा, अदरवाइज वो यू नो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो जाएगी, उसकी इतना मजा नहीं आएगा पहनने में। सो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट। ओके, तो लास्ट जैकेट मैं आपको दिखा रही हूँ, वो बहुत ही सीक्रेट जैकेट है, तो लेट्स चेक इट आउट हाउ इट इज। ओके, ओके, सी दिस जैकेट। तो आप कह रहे होंगे ये तो नॉर्मल जैकेट है, इस पे तो कोई सीक्रेट की कोई बात नहीं है, ये तो सबके घर पे होता है, और आपने इसको ब्लू और व्हाइट शर्ट के साथ पेयरिंग किया हुआ है। यस, बट द सीक्रेट इज नॉट दिस, द सीक्रेट इसके पीछे है। सो यस, द सीक्रेट इज दिस। यस, ये जैकेट मैंने न्यूजीलैंड से पिकअप किया था,
तो इसका आपको पता ही चल गया होगा क्या है इसमें, ये एक नॉटी सा क्यूटी सा यहाँ पर है। तो इस तरीके के बहुत सारे मिकी माउस और आपको जो भी कार्टून कैरेक्टर पसंद है, आप वो जैकेट वहाँ पर थे बहुत सारे, तो उसमें से मैंने ये पिकअप किया और दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। सो इसको आप पीछे जब आप कहीं पर भी पहन सकते हो, लाइक यू नो व्हेन यू आर इन फंकी मूड एंड जोन एंड ऑल दैट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फोक्स फॉर टुडे, और नेक्स्ट टाइम हम और भी जैकेट्स के साथ आएंगे, और भी कलरफुल फैशन के साथ आएंगे। तो कीप वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट। ओके, बाय।